मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल एक दिवसीय उपवास रखने जा रहे हैं। कृषि मंत्री हांडिया के नर्मदा तट स्थित नाभी कुंड पर उपवास करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और आंदोलन को समर्थन दे रहे राजनीतिक संगठनों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना के लिए कमल पटेल उपवास रखेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हंडिया से हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप लाइव बने हुए हैं। संदीप, आज कृषि मंत्री कमल पटेल उपवास रखने जा रहे हैं, एक दिवसीय उनका ये पूरा उपवास रहेगा। क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप भी वहां पर हरदा में मौजूद हैं और हजारों की तादाद में किसान भी पहुंचे हैं कृषि मंत्री के साथ ये उपवास रखने के लिए। बिल्कुल संचिता, जिस तरह से किसान बिल का विरोध किया जा रहा है कुछ तथाकथित संगठनों की ओर से या राजनीतिक संगठनों की ओर से, उसको उनको सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया है। उनको सद्बुद्धि के लिए उपवास किया है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृषि मंत्री ने पहले यहाँ पर माँ नर्मदा की गोद में माँ शिव, पहले भगवान शिव की यहाँ पर आराधना की, उनकी पूजा की और फिर उसके बाद यहाँ पर मंच में आए और मंच में उन्होंने उपवास की प्रक्रिया शुरू की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दर्शन चौधरी जी, जो कि प्रदेश के भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दर्शन जी, यहाँ पर एक दिन का असांकेतिक उपवास किया जा रहा है मंत्री जी के द्वारा, क्या उद्देश्य है इस पूरे उपवास का? आज हमारे कृषि मंत्री माननीय कमल जी पटेल और हम सब कार्यकर्ताओं ने आज जो उपवास रखा है, उसका मूल कारण यही है कि जो देश में भ्रम फैलाने की कोशिश तथाकथित संगठनों द्वारा की जा रही है, उस भ्रम को दूर किया जाए, मां नर्मदा उनको सद्बुद्धि दे और ये पावन पुनीत तट पर ऐसे कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए उदाहरण है, इनके नेतृत्व में हमने कई प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन और किसान पुत्र जब तक मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, किसान पुत्र मुख्यमंत्री जब तक मध्य प्रदेश में बैठे हैं, किसानों को किसी भी प्रकार की आंदोलन की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की सद्बुद्धि इनको मिले, कितने आमूलचूल वाले निर्णय माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय कमल जी पटेल के नेतृत्व में हुए हैं, चाहे आरबीसी 6-4 को परिवर्तित करने वाली बात हो, चाहे किसान को जो एमएसपी पर तुलाई की बात हो, देश के अंदर गेहूं में रिकॉर्ड बनाने की बात हो, सब्जी के उत्पादन में अनेकों लाभ देने की बात, अनेक खेती के क्षेत्र में 18% लेकर 23% की जीडीपी यदि किसी कार्यकाल में, और ये शोध का विषय है, मैं तो आप लोगों के माध्यम से भी पूरी देश की जनता से, देश के पढ़ने वाले बच्चों से आह्वान करता हूँ। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, कई जगहों से किसान आए हैं, हंडिया में जो यहाँ पर सांकेतिक उपवास है, क्या ये मानते हैं कि यहाँ का उपवास जो है मंत्री जी का प्रयास है, तो ये जो इनका मैसेज देना चाहते हैं किसानों को, वो उनके पास पहुंचेगा, वो मानेंगे कि कृषि मंत्री और प्रदेश की जो केंद्र की सरकार है वो किसानों के हित में काम कर रही है? बिल्कुल, आज आप देख रहे हैं कि हजारों संख्या में, क्योंकि इसकी नियोजन कल ही इसकी घोषणा हुई और आज हजारों की संख्या में किसान समर्थन में यहाँ बैठे और पूरे प्रदेश से हमारे पास सूचना आ रही और किसान मोर्चा के माध्यम से हम प्रत्येक जिले में प्रत्येक बड़े केंद्र पर इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए हमारे संबंधित मंत्रियों को और संबंधित कृषि से संबंधित लोगों को उसमें बुलवाकर और ये जन जागृति का अभियान चलाएंगे और किसान निश्चित है कि इससे और इसका परिणाम आपको आगामी तारीखों में जो उनके कार्यक्रम निर्धारित है उसके अंतर आपको समझ में आ जाएगा और किसान को समझ में आ रहा है और किसान समझ भी चुका है कि एक तरफ इन्होंने तिरंगे को जो अपमान, तिरंगा का नहीं राष्ट्र का अपमान है, उस राष्ट्र के अपमान को करने की तथाकथित लोगों ने किया, इसको देश की जनता और देश का किसान कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता है, इसको देश की जनता और किसान और मजदूर और गांव वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका परिणाम ये आज के इस उपवास कार्यक्रम में हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है। देखा संचिता, इनका किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, साफ साफ इनका कहना है कि जिस तरह से केंद्र का बिल आया है वो किसानों के हित में है और जिस तरह से कृषि मंत्री कमल पटेल यहाँ सांकेतिक उपवास पे बैठे हैं, उसका मैसेज पूरे देश के किसानों में जाएगा, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों में जाएगा और वो समझेंगे कि केंद्र का जो ये बिल आए हैं, जो तीनों बिल, वो किसानों के हित में है। जी संचिता,
संदीप, क्या आप कृषि मंत्री तक पहुंच सकते हैं? अगर आप उन तक पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल हम चाहेंगे उनसे भी चर्चा करें, इस पूरे उपवास के संबंध में भी उनसे कुछ बातचीत हो सके, और किस तरीके से दिन भर में उन्होंने उपवास किया है, कितना किसानों का सहयोग मिल रहा है, वो भी अगर कुछ समझ पाने में आसान हो। संदीप, जिस तरीके से ये आज दिन भर कार्यक्रम चला है, कृषि मंत्री कमल पटेल यहाँ पर उपवास करने के लिए बैठे हैं, और सुबह हमने उनकी बातचीत भी सुनी थी आपके साथ, जो बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भी एक किसान है, ऐसे में किसानों का अहित नहीं सोच सकते, किसानों के हित के लिए ही ये पूरा उपवास किया जा रहा है। ऐसे में किसानों का कितना समर्थन देखा जा रहा है, क्या वो इस कानून को समझ पा रहे हैं, क्या वो कृषि मंत्री का समर्थन पूरी तरीके से दे पा रहे हैं? बिल्कुल संचिता, मैं उसके बारे में भी दर्शन जी से बात करूंगा। दर्शन जी, क्या ऐसा लगता है कि अभी तक सरकार कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई किसानों को समझा पाने में, क्योंकि जो कृषि बिल है तो इसको लेके कहीं ना कहीं, तो विपक्षी दल की बात करें या जो कुछ संगठन है, तो जिस तरह से पूरे देश में आंदोलन किया, कुछ हालांकि कुछ राज्य ही इसमें शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सरकार ऐसा हुआ कि असफल रही समझा पाने में, जिसका नतीजा यह रहा कि आज 2 महीने से ऊपर करीब 2.5 महीने हो गए किसानों को आंदोलन करते, और वो अभी भी अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, और आपको भी ये बात समझनी चाहिए, भारत विविधता वाला देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक भारत बहुत विविध है, और आज आप पूरे भारत में जितने प्रांत हैं उनमें से 1-2 प्रांत को छोड़ दें तो कहीं भी पूरे देश के अंदर कहीं भी किसान आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। हमारे मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, ये तो कृषि के क्षेत्र में देश नहीं पूरे विश्व में जीडीपी का जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसानी के क्षेत्र में दे रहा, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है, और सरकार कहीं भी असफल नहीं है, लेकिन जो तथाकथित जो मरने की कगार पर खड़े हैं, जैसे दीपक बुझने से पहले जोर से जलता है, तो जितने भी जो विरोधी विचारधारा हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने राष्ट्र विरोधी बहुत सारी चीजें जो आपने टीवी के माध्यम से और बहुत सारे माध्यम से जनता के बीच तक, मैं टीवी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका चरित्र आप उजागर कर रहे हैं, किस किस प्रकार के झंडे बैनर और किस प्रकार के मुद्दे उनके पास है, ये किसान की लाश पर रोटी सेकने का काम जो तथाकथित लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार बिल्कुल असफल नहीं है, और पूरी सरकार पूरी दमदारी से, और ये पहली सरकार, मैं भी लंबे समय से किसानों के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जिसने लगातार 11 दौर की वार्ताएं किसानों के क्षेत्र में की, इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, हमारे केंद्र के और राज्य के नेता, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर हमारे कृषि मंत्री, जो किसानों के प्रति अति संवेदनशील है, और किसान पूरी तरह इन पर भरोसा कर रहे हैं, और इसका ही परिणाम है कि बड़े बड़े राज्यों में, जो जितने भी बड़े राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में, कोई भी आंदोलन की स्थिति वर्तमान में नहीं है। तो देखा क्या संचिता, साफ कहना है इनका कि सरकार भी अपने मकसद में सही रही है, सरकार ने जिस तरह से समझाइश देनी चाहिए, सरकार समझाने में भी सफल रही है, और किसान समझने में भी सफल रहे हैं, इस पूरे बिल को जो आंदोलन हो रहा है वो कुछ तथाकथित संगठनों के द्वारा और कुछ राजनीतिक संगठनों के द्वारा वो कहीं ना कहीं आयोजित किया जा रहा है। संदीप, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, ये बात सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो ये समझ लिया जाए पूरी तरीके से कि मध्य प्रदेश का एक एक किसान इस कृषि कानून के साथ में है, और साथ ही राज्य सरकार के साथ में है। जिस तरीके से आज यहां पर भारी भीड़ आपके पीछे भी हमें देखने को मिल रही है, तो ये पूरी तरीके से समझ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के किसान ने इस कृषि कानून को समझ लिया है और अपना समर्थन इस कानून को दे दिया है। दर्शन जी, क्या हम ये माने कि मध्य प्रदेश का, जो देश की बात छोड़ दें, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मतलब मध्य प्रदेश का किसान, एक एक किसान इस बिल के बारे में समझ चुका है, इस बिल को सरकार अच्छे से समझा पाई लोगों को? बिल्कुल, मध्य प्रदेश का किसान, क्योंकि जागरूकता माध्यम से सरकार के भी बहुत बहुआयामी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको भी माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी के नेतृत्व में ऐसे जागरण अभियान पहले भी, और अब तो किसान मोर्चा प्रत्यक्ष मैदान में जाके, और उसका ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई भी, आप भी समझ रहे हैं, सारे किसान संगठन, हमारे पास बहुत सारे किसान संगठनों के समर्थन पत्र भी आ चुके हैं, उन्होंने खुला समर्थन किया है, और जो तथाकथित लोग इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए, उनका चेहरा भी उजागर आम किसान कर रहा है, जिसका नमूना हमने होशंगाबाद में भी देखा, और आज भी इस हजारों हजारों की भीड़ में हमको यही समझ में आ रहा है।
देखा तो संचिता, मध्य प्रदेश में कहीं भी आंदोलन नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार और भाजपा के अलग अलग जो संगठन हैं सभी ने एकजुट होकर के किसानों को समझाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये सही बात भी है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी यह आंदोलन देखने को नहीं मिला है। जी संचिता, बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं यहाँ पर सकारात्मकता जरूर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो कृषि मंत्री कमल पटेल आज हंडिया पहुंचे हैं, यहाँ पर उन्होंने एक दिवसीय उपवास रखा है। हालांकि उपवास कितना कारगर साबित होता है, हालांकि देखने में ये भी आ रहा है कि तमाम किसान भी उनके साथ, आज हजारों की तादाद में किसान उनके साथ इस उपवास पर बैठे हैं, लेकिन इसका असर आगामी समय में, इसका परिणाम आगामी समय में किस तरीके से सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी।